आईपीएल रिटेंशन के लिए सभी खिलाड़ियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। विराट के कप्तानी छोड़ने की वजह से आरसीबी को एक नए कप्तान की जरूरत होगी। आरसीबी अपने खेमे में केकेआर के एक धाकड़ खिलाड़ी को शामिल कर सकती है जो कोहली की जगह कप्तानी करेगा। दरअसल विराट कोहली ने आईपीएल 2021 में ही आरसीबी कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया था। कोहली अब कप्तानी में आरसीबी को एक भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जिता पाए। अब आरसीबी ऑक्शन में एक नए कप्तान की तलाश करेगी। केकेआर की टीम ने आविन मॉर्गन को रिटेन नहीं किया, ऐसे में आरसीबी की टीम मॉर्गन को अपने खेमे में शामिल करना चाहेगी। मॉर्गन अकेले दम पर केकेआर को फाइनल में ले गए थे। उनकी कप्तानी में ही इंग्लैंड ने 2019 वर्ल्ड कप भी जीता था और टी20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में भी टीम को ले गए थे। मॉर्गन आरसीबी के लिए कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं। मॉर्गन धोनी की तरह ही शांत दिमाग से फैसले लेते हैं। वहीं इंग्लैंड के कप्तान आविन मॉर्गन बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी भी करते हैं। उनके लंबे छक्के लगाने की कला से सभी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं और जब वो अपनी लय में हों तो किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। वो कप्तानी बहुत ही शानदार तरीके से भी करते हैं, चाहे गेंदबाजी में बदलाव करना हो या टीम संयोजन बनाना। केकेआर ने आंद्रे रसेल को 12 करोड़ में, वरुण चक्रवर्ती को 8 करोड़ में और वेंकटेश अय्यर को भी यहाँ पर 8 करोड़ में रिटेन किया है। केकेआर के कप्तान मॉर्गन को रिटेन नहीं किया गया है, जबकि उनकी कप्तानी में ही केकेआर आईपीएल 2021 के फाइनल में पहुंची थी। मॉर्गन ने आईपीएल 83 मैच खेलकर 1405 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से केकेआर को कई मैच जिताए हैं। अगर आरसीबी की रिटेंशन लिस्ट की बात की जाए तो इसमें विराट कोहली का नाम आता है, जिन्होंने 15 करोड़ में इस टीम द्वारा रिटेन किया गया। दूसरे नंबर पर ताबड़तोड़ बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल आते हैं, जिन्हें 11 करोड़ में इस टीम ने वापस बुलाया। वहीं 7 करोड़ में आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को चुना। अब सवाल यह है कि क्या आविन मॉर्गन आरसीबी के कप्तान बनते हैं या नहीं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।